राज्य शासन द्वारा चलाए जा रहे ऊर्जा साक्षरता अभियान में शुरुआत से ही रहते हुए सुजालपुर जिले में निरंतर कार्य करते हुए जनता को इसके प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में सुजालपुर जिले के 1 लाख से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लेकर पंजीकरण कराया, जिसमें 30,000 से अधिक लोगों ने प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कलेक्टर दिनेश जैन ने इसके लिए सभी नागरिकों को बधाई देते हुए अनुरोध किया कि 4 जनवरी 2023 को एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा पूरे देश में जलवायु सुधार दिवस CCD के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें भी जिले के सभी नागरिक सहित समस्त शासकीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भाग ले और इस दिन बिना इस्त्री करे हुए कपड़े पहनने जा रहा हूं और 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बताऊंगा। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी जलवायु सुधार के लिए आगे आए, शपथ ग्रहण करते हुए सहभागी बने और अन्य नागरिकों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। जैसा कि ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत ऊर्जा साक्षरता अभियान जिले में काफ़ी अच्छे से चलाया जा रहा है और जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में अपना पंजीकरण कराया है और जिले में 30,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्र भी लोगों ने प्राप्त किए हैं, तो उन सभी नागरिकों को इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आगामी 4 जनवरी को जलवायु सुधार दिवस, जो कि एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग जो कि प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं, तो 4 जनवरी के दिन हम लोग बगैर प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे और 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इससे बचेगा। तो इस अवसर पर मैं आपसे भी इसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आह्वान करता हूं कि मैं 4 जनवरी को एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की CCD चुनौती लेने जा रहा हूँ। मैं 4 जनवरी को बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने जा रहा हूं और 200 ग्राम CO2 के उत्सर्जन को बचाऊंगा। मैं आपको भी इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जलवायु सुधार के लिए हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।